आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज पर, मैं जाबिर शाह। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि पोषण हार मामले को लेकर मालेगांव शहर मध्य हो या बाई, ये काफी चर्चित है, क्योंकि इन पोषण हार के नए टेंडरों के बाद कई जगहों पर चावल की स्मगलिंग होते हुए पकड़ी गई और 2 से 3 FIR भी दर्ज हो गए। 2 से 3 FIR दर्ज होने में मामला काफी पेचीदा हो गया। वैसे तो पोषण हार के टेंडर को लेकर इसमें काफी गड़बड़ घोटाला माजी के आयुक्त व प्रशासक बालचंद्र गोसावी, उनके समय से ही खिचड़ी का मामला काफी चर्चित रहा है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से ठेका लेने वालों ने बोकस डुप्लीकेट कागजात की उसमें पुष्टता करके टेंडर लिए गए, कई सारे सवाल इसके ऊपर उठे कि गोसावी साहब ने जाने के बाद भी नासिक से कई डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर किए, कई बचत गट वालों ने उसमें डुप्लीकेट कागजात लगाकर पहले ऑर्डर ले लिया, बाद में DD बनी हुई, ये सारे मामले चर्चा में है, क्योंकि इस पर हमने पूना के हेड ऑफिस मोहन मोहारे से भी इस पर बातचीत की, उन्होंने भी इसके ऊपर स्पष्ट अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो हम आपको फिर कभी जब इसकी बात दूसरी न्यूज बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। लेकिन अभी आज एक लेटर जिला परिषद नासिक शिक्षण विभाग प्राथमिक प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से निकला हुआ है, जो डॉक्टर नितिन बच्चाव शिक्षण अधिकारी प्राथमिक जिला परिषद नासिक, इनके यहाँ से निकला है कि इस पोषण हार के मामले में जो चावल की स्मगलिंग होते हुए पकड़ी गई है, इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जबकि हमने आयुक्त से जब मुलाकात की, आज के प्रशासक रविंद्र यादव से मुलाकात की और उनसे इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ इस केस में इसी बचत गट की नहीं, बल्कि मैंने मालेगांव शहर में दिए गए सभी बचत गट वालों की फाइल अपने टेबल पर मंगवा ली है और मैं सभी पेपरों की छाननी कर रहा हूं, जांच पड़ताल कर रहा हूं। इसमें बड़ा गड़बड़ घोटाले की मुझे भी बू आ रही है, मुझे भी पुनः से लेटर आया हुआ है और आज फिर नासिक के शिक्षण विभाग से भी इसका लेटर आया हुआ है, तो मैं इसकी पूरी जांच पड़ताल करूंगा और इसमें कौन लोगों ने बोकस डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और पिछले आयुक्त ने किस प्रकार से इसमें दस्तावेज की उलट फेर करते हुए कैसे बोकस लोगों को टेंडर दिया गया है, जाली दस्तावेज के नाम पर टेंडर दिया गया है, DD अलग डेट में बनी है, वर्क ऑर्डर अलग डेट में हुआ है, CA के बहुत सारे कागजात जो एग्रीमेंट के जो कागजात थे जिसमें ये पूछा गया था कि आपका फाइनेंशियली जो डाटा है वो इसमें दिखाना था, उसमें भी कैसे डुप्लीकेट पेपर्स दिए गए हैं, जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था उन लोगों को कैसे 7-7, 8-8 हजार 10-10 हजार बच्चे दिए गए हैं और नियम अनुसार इसमें क्या क्या चीजों की कमी है, इन सारी चीजों की मैं जांच पड़ताल कर रहा हूं, नोटिस भी निकालने वाला हूं और जिन लोगों ने इसमें गलत कामकाज किए हैं मैं उनकी रिपोर्ट भी बनाकर ऊपर भेजूंगा, बहुत सारे लोग इसमें निलंबित होंगे, इस प्रकार का स्टेटमेंट आयुक्त साहब ने दिया है। आप पहले उनका स्टेटमेंट सुनिए, फिर हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। शालेय पोषण आहार के जो ऑर्डर पिछले 2-3 महीने पहले, जैसा मैं ज्वाइन होने के पहले दिए गए थे, उसकी कुछ तकरारें हमारे पास आई है, जिसमें कि भाई आयुक्त का तबादला होने के बाद कुछ साइन हुए हैं या कुछ ऑर्डर देने के बाद DD जमा किए गए हैं या कोई पात्र नहीं रहते हुए भी कागजात ऐसे कि जो पात्र नहीं है ऐसे लोगों को भी कुछ ऑर्डर दी गई है, इसकी तकरारी मेरे पास आई है। वो हिसाब से मैंने 2 दिन पहले वो जो पूरे फाइलें हैं 32 वो मेरे पास उसके कागजात लिए हैं, मैं उसके अभी छानबीन करूंगा, तहकीकात करूंगा और कुछ उसमें क्या सही है या गलत है उसका एक रिपोर्ट बनाऊंगा कि इसमें सही में उसमें कागजात कम थे या प्रॉपर नहीं थे या DD बाद में लिए गए या फिर कंडीशन में कैसा था और एक अटी शर्ती के मुताबिक वो ऑर्डर नहीं दिए, तो उसकी पूरी तहकीकात होगी और वो हिसाब से जो सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई उन सप्लायर जो है शालेय पोषण आहार के उसके ऊपर होगी। और भी कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी अभी साहब ऐसा पता चला है कि पूना के अंदर भी इसकी जांच हो रही है? एक शिक्षणाधिकारी जिला परिषद
उनकी ओर से भी एक चौकसी उसमें चालू है, लेकिन उसका कुछ अभी तक रिजल्ट हमारे पास नहीं आया है। फिर भी हमारे पास जो कागजात है उसकी भी मैं अलग से एक छानबीन करने वाला हूँ। तो दर्शकों, आपने सुना कि मालेगांव शहर के आज के आयुक्त व प्रशासक रविंद्र जाधव ने स्पष्ट कहा कि मैंने अपने टेबल पर सारी फाइलें मंगवा ली है और मैं इसकी जांच पड़ताल कर रहा हूं। मुझे पुणे से भी इसका ऑर्डर आया हुआ है, आदेश आया हुआ है, मुझे रिपोर्ट ऊपर भेजनी है। अब देखना यह है कि इसमें कितने लोगों ने बोकस डॉक्यूमेंट्स और पैसे देकर गलत तरीके से इस पोषण हार का टेंडर ले रखा था, कितने लोग इसमें निलंबित होंगे, कितनों के डॉक्यूमेंट्स बोकस निकलेंगे, कितने लोगों ने मालेगांव शहर के माजी के प्रशासक बालचंद्र गोसावी से यहाँ का चार्ज छोड़ने के बाद बैक डेट में सिग्नेचर ली थी, कितने लोगों ने बाद में डीडी बनाया था, इन सारे केस में क्या होगा, हम इस पर नजर बनाए रखेंगे और इसकी पूरी अपडेट लेते रहेंगे। हमारे पास में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की अभी कमी है, वो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे तो हम भी इस पर पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे कि इस पोषण हार के भ्रष्टाचार का क्या है मामला, कौन कौन है इसमें बोकस ठेकेदार, इस पर नजर बनाए रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया। मैं फिर हाजिर होगा आपके बीच किसी नए सवाल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।